हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू ट्रेड विद आईआईटीएन। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा चैनल में 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा, जैसे कि 5,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे, मैंने एक मार्केट का सीक्रेट चीजें आप लोगों को दिया था, वैसे ही जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, मैं आप लोगों को और एक मार्केट का सीक्रेट चीजें देने वाला हूँ। हाउ टू फाइंड आउट फ्रॉम डे हाई टू डे लो एंड डे लो टू डे हाई, पूरा का पूरा मार्केट का रेंज आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि मार्केट डे हाई से डे लो कितना पॉइंट्स आएगा, डे लो टू डे हाई कितना पॉइंट्स आएगा। ठीक है ना? क्या लग रहा है आप लोगों को, ये पॉसिबल है क्या? आप ये चीज कर सकते हैं किसी भी माध्यम से? नहीं है ना? मैं इसको पॉसिबल करके आप लोगों को दिखा दूंगा। सिर्फ एक ही कंडीशन, एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को पूरा देखना है। आपका जिंदगी में क्या हो जाएगा मुझे बताएं, बताइए। 5-10 मिनट, 15 मिनट अगर ज्यादा देख लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? कुछ भी हो जाएगा, ऐसा कुछ आप बचा लेंगे मुझे बताइए? नहीं ना, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। तो अगर वीडियो को पूरा देख लेते, चाहे वो 1 घंटा का हो चाहे वो आधा घंटा का हो, क्योंकि मेरा वीडियो में हर एक वीडियो में लर्निंग रहता है, इसी के वजह से वीडियो लंबा हो जाता है। नहीं तो मुझे लंबा वीडियो बनाने का कोई जरूरत नहीं है, मैं 5-6 मिनट का वीडियो भी बना के दे दूंगा, लेकिन आप लोग क्या सीखेंगे उसमें? ना कोई बैक टेस्ट होगा, ना कुछ होगा आप लोग उसमें सीखेंगे। मैं इसमें एक एक महीने का बैक टेस्ट करके देता हूँ, इसके वजह से मेरा वीडियो क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो प्लीज एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं 1-2 मिनट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूं। अगर आपको ये सब चीजें नहीं देखना, आप स्किप कर लीजिए 2-3 मिनट का, नहीं तो आप 5 मिनट का भी स्किप कर लीजिए। 5 मिनट के बाद वीडियो का, जो अगर आपको सिर्फ सीखना है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट नहीं सुनना है, तो आप 2-3-4 मिनट आप स्किप कर सकते, देख सकते। ओके, देखिए ये वीडियो में हम एक गिवअवे का अनाउंसमेंट करने वाला हूं। कौन सा गिव है? जैसे कि आप सभी को मालूम होगा, जैसे ही मेरा 5,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे, मैंने एक वीडियो डाला था, मार्केट का सीक्रेट वीडियो, ये देख सकते हैं। कौन सा वीडियो था वो? ओके, ये जो पार्ट सी, इसमें माइंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, इसमें जो कुछ भी चीजें हैं सिर्फ वो मेरे से ही आपको सीखने के लिए मिलेगा। मैं अपना एक्सपीरियंस और रिसर्च के ऊपर ही वो बनाया हुआ है। ये जो देख रहे हैं ना, कंप्लीट नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम, इसी का वीडियो में सीक्रेट साइकोलॉजिकल नंबर, सिग्नेचर नंबर, लकी नंबर, फैंसी नंबर, बिहेवियर ऑफ ऑपरेटर, ये का एक मैंने 1 आवर का एक वीडियो दिया था। हम कंप्लीट नॉलेज था नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट नॉलेज हम यूट्यूब पर इसको अपलोड नहीं कर सकते हैं एटलीस्ट, लेकिन 60% नॉलेज तो मैं आप लोगों को दे दिया था, सिर्फ 30 से 40% का नॉलेज मैं दिया नहीं था उस वीडियो में, लेकिन आज मैं दे दूंगा। ठीक है ना? आज मैं कोशिश करूंगा 80-90% नॉलेज देने के लिए आज का वीडियो में, तो इससे तो अच्छा वो वीडियो रहने वाला है। ठीक है, आप पूरा का पूरा मार्केट का हाई डे टू डे हाई टू डे लो एंड डे लो टू डे हाई आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आज का डेट में किसी के लिए भी, चाहे वो कितना भी यूट्यूबर, कितना भी बड़ा यूट्यूबर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा ऑपरेटर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा इन्वेस्टर क्यों ना हो, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, ये चीज पॉसिबल है। और ऑलरेडी आप लोगों का मेरे ऊपर ट्रस्ट है, मैंने जो कुछ भी देता हूं अब रिसर्च के ऊपर ही देता हूं, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होता है। जब भी मैं वीडियो में बनाता हूं, मैं एक चीज कहता हूं कि मैं भगवान नहीं हूं, मैं 100% नहीं हूं, और मार्केट में कोई भी 100% हो ही नहीं सकता है। लेकिन जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, उसको मैं देने के लिए कोशिश करता हूं। और यूट्यूब पर जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना, बिलीव कीजिए, मैं यूट्यूब पर अभी तक तो कुछ भी वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया है, कुछ भी वीडियो जो मैं सिखाता हूं कोर्स में। कौन सा कोर्स? देखिए यूट्यूब पर सिर्फ मैं इसी का सिर्फ 50% वीडियो मैंने अपलोड किया है, और बाकी ये जितने भी सारे चीजें आप देख रहे हैं ना, गैप अप थ्योरी, गैप डाउन थ्योरी, फ्लैट, 50 मिनट, प्राइस एक्शंस 3 टाइम्स, मार्केट ऑपरेटर माइंडसेट, पाई मेथड, काउंटर ट्रेंड लाइन, मार्केट रेडी टू मूव कॉन्सेप्ट, सीक्रेट ऑप्शन चेन एनालिसिस, बॉक्स थ्योरी, सारे चीजें आप लोगों का, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। फर्स्ट हाफ थ्योरी, सेकंड हाफ थ्योरी, सेकंड हाफ थ्योरी का थोड़ा सा एक झलक टीजर मैंने अपलोड किया हुआ है, कितना पॉइंट्स ऊपर जाएगा, क्या करेगा, सब कुछ आपको सेकंड हाफ थ्योरी से मालूम चल सकता है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे पास कैसा कैसा सीक्रेट चीजें मार्केट पे पड़ा हुआ है, मार्केट का। ठीक है ना? यूट्यूब पर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ यूट्यूब पर लोग ऐसा ऐसा कमेंट दिए हुए, पागल हो गए कि ये कैसा पॉसिबल है। मैं तो बताता हूँ कि यूट्यूब पर मैंने तो कुछ भी अपलोड नहीं किया हुआ है, क्योंकि मैं अपलोड करना ही नहीं चाहता हूँ ये सारी चीजें यूट्यूब पर, एक बार वायरल हो जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा। ओके, ये बहुत सालों का मेहनत है, आज मैं सिखा रहा हूं। ओके, उसमें हुआ क्या, देखिए वो जो पहला वीडियो था आप लोगों का, उसमें आप लोग का
हो चुका है, मतलब विनर आप लोग का डिक्लेयर उसमें हो चुका है। कौन सा विनर देखिएगा, ये वीडियो है, मैं दिखा देता हूँ विनर कौन है इस वीडियो में। ये वीडियो था देखिए, ये 10 लाख पेड स्ट्रेटजी फॉर फ्री 5000 सब्सक्राइबर का ये स्पेशल वीडियो हम लोग का था। ओके इसमें देखिए विनर जो है मैं पिन कर दिया हूं, ऑप्शंस बाइंग लाइफ ये विनर है। सिर्फ कमेंट्स देते वाओ अमेजिंग एक्सप्लेनेशन विदाउट फीस, आई नेवर सीन लाइक दिस इन यूट्यूब, गॉड ब्लेस यू। ये विनर है, मैंने 5000 में जो गिवअवे किया था इस वीडियो में गिवअवे था, तो इसका विनर ये ऑप्शंस बाइंग लाइव है और ये रैंडम पिकर है। हम लोग लाइव आके जितने भी कमेंट्स दिए होंगे उसमें से किसी भी एक कमेंट्स को हम पिक करते हैं रैंडमली, वो एल्गोरिथम पिक करता है। ठीक है, तो सिमिलरली ये वीडियो में मैं ये कोर्स, ये पहला कोर्स मैंने 5000 के लिए दिया था जिसका प्राइस था 10,000 रुपीज और डिस्काउंट के बाद 5000 रुपीज था। ये वीडियो में ये गिव्यू होने वाला है कि 1-to-1 का एक कोर्स मैं देने वाला हूँ हिंदी में जिसका प्राइस है 20,000 रुपीज, डिस्काउंट के बाद वो 10,000 रुपीज। इस ये वीडियो में गिवे में देने वाला हूं इस वीडियो में। इसमें आपको क्या करना है, जो मैं अभी फिलहाल रिकॉर्डिंग कर रहा हूं इस वीडियो में, सिंपली आपको एक कमेंट्स देना है, कुछ भी कमेंट्स दे सकते हैं लेकिन बस आपका लैंग्वेज को ध्यान देना है। अगर आप कुछ भी बैड लैंग्वेज यूज किए हुए हैं इसका मतलब अगर आपका कमेंट पीक भी होता है तो भी आपको कोर्स मिलने वाला नहीं है। आप अगर सिंपल हाई भी लिख देंगे ना तो भी आपका कमेंट पीक होने का चांसेस है। याद रखिएगा आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक ही कमेंट्स देना है, ज्यादा कमेंट्स नहीं देना है। ऐसे कि हाय 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 10 कमेंट नहीं देना, अगर ऐसे होता है तो आपको पिक नहीं किया जाएगा। सिर्फ कंडीशन यही है कि एक ही आपको कमेंट्स देना है, वीडियो को एटलीस्ट एक बार शेयर करना है, मतलब शेयर में आपका क्लिक होना चाहिए। चाहे आप व्हाट्सएप में किसी को भी शेयर कर सकते हैं, स्टेटस पर भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप शेयर नहीं करते तो फिर आपका कमेंट्स पिक नहीं होने वाला है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपका जो चैनल है वो सब्सक्राइब होना चाहिए। अगर नहीं है, क्योंकि मैं फिल्टर मारूंगा कि वीडियो को शेयर होना चाहिए, एक बार सब्सक्राइब होना चाहिए, एक कमेंट्स होना चाहिए, इसे फिल्टर होगा तब जाके आपका कमेंट्स, जो लोग वही काम किए होंगे सिर्फ उन्हीं का कमेंट्स को यूट्यूब ने पिक करेगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि चैनल जो है वो सब्सक्राइब होना जरूरी है। अगर सब्सक्राइब नहीं है तो आपको ये कोर्स मिलने वाला नहीं है। ये कोर्स में आपको बहुत सारा बेनिफिट्स है, ये जो 1-to-1 है इसमें आप डायरेक्टली मेरे से लाइव सीख सकते हैं, लाइव मेरे से सीख सकते हैं। अगर आप बिगिनियर है, अगर आप कुछ भी स्टॉक मार्केट में आपको आइडिया नहीं है तो फिर आपका क्लास आप देख सकते हैं कि मंडे 8 से 9 बजे तक होता है और ट्यूजडे 8 से 9 बजे तक होता है रात को। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको ये वाला टाइमिंग है, देखिए फ्राइडे को होता है 8 से, सैटरडे को होता है और संडे को मॉर्निंग में होता है 8 to 9। लाइव आप लोग मेरे से सीखेंगे 1-to-1 में, तो सोच सकते हैं कि आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगा। ओके बस ये था, ये बताने वाला था मैं कि इनिशियल स्टेज पे कि इसमें जो वीडियो में गिवे होगा वो किस टाइप में होगा, क्या कंडीशन होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है वीडियो में गिवे का रिजल्ट डिक्लेयर कब होगा, एटलीस्ट वीडियो में, क्योंकि 10,000 सब्सक्राइबर है, 11,000 सब्सक्राइबर है, सॉरी अभी तो 11,000 हो गए हैं, तो वीडियो में एटलीस्ट जितने भी सब्सक्राइबर है, मतलब 11,000 जो भी है, वीडियो में 11,000 व्यूज आना चाहिए। पिछले मैंने कभी सोचा नहीं था, जब मैंने जो मैंने ये दिया था ना कि 5 ये वाला कोर्स जो दिया था एआईसी, मैंने बताया था कि अगर 5000 व्यूज आ जाता है तो मैं एक विनर डिक्लेयर कर दूंगा। और बिलीव कीजिए सिर्फ 3 दिन में, सिर्फ 2-3 दिन में ये आ गया था 5000 व्यूज। मैंने टाइम ही नहीं मिला, इतना आप लोगों ने कॉन्टेक्ट किया मेरे को, टाइम ही नहीं मिला उसका विनर डिक्लेयर करने के लिए, लेकिन हाँ विनर डिक्लेयर करते, लेकिन इसमें ये चीज नहीं होगा। जैसे ही 11 के व्यूज आएगा, 11,000 व्यूज आएगा, उसका नेक्स्ट डे में ही इसका विनर जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। ये कंडीशन है, पहला कंडीशन है विनर रिजल्ट डिक्लेयर होगा 11,000 व्यू आने के बाद। अगर एक दिन पे आ जाता है, आज आ जाता है तो कल मैं डिक्लेयर कर दूंगा, अगर कल आ जाएगा तो मैं परसों डिक्लेयर कर दूंगा। जैसे ही आएगा उसका नेक्स्ट डे में इसका विनर डिक्लेयर हो जाएगा। सेकंड, आप लोगों के लिए कंडीशन क्या है, आप चैनल को, चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए आपका अकाउंट से, जिस अकाउंट से आप कमेंट करेंगे, एक कमेंट चाहिए, लाइक चाहिए और शेयर होना चाहिए एक बार, तो एटलीस्ट शेयर आपका, चाहे आप किसी को फेसबुक में शेयर कीजिए, चाहे आप व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, चाहे आप टेलीग्राम पे शेयर कीजिए, एक बार आपका शेयर में क्लिक होना चाहिए, तब जाके वो एक्सपेक्ट करेगा, मतलब सॉरी आपका कमेंट जो होगा रैंडम पिकर पे आएगा, नहीं तो फिर नहीं आने वाला है।
तो इसमें आप आपको उस टाइम पे रिग्रेट नहीं करना है। ओके तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने बता दिया था अगर आपको ये चीज नहीं सुना तो आप स्किप कर सकते हैं, तो ये वीडियो पे कमेंट्स ये मत दीजिएगा सर आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, ये बताना भी जरूरी है। ओके हाउ टू फाइंड आउट फ्रॉम डे हाई टू डे लो और डे लो टू डे हाई, ये मार्केट का एक सबसे बड़ा सीक्रेट है जो मैं आज बता देने वाला हूं। आप पूरा का पूरा मार्केट का डे हाई टू डे लो फाइंड आउट कर सकते हैं, डे लो टू डे हाई फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल स्टेज पे आपको मार्केट का डे हाई होगा क्या या फिर डे लो क्या होगा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, वो ये वीडियो में नहीं बताने वाला हूं। उसके ऊपर मेरा एक्चुअली अभी तक मेरा 100% का रिजल्ट नहीं आया है, रिसर्च चल रहा है कि मार्केट का जो फास्ट डे हाई होगा या फिर डे लो होगा उसको आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेकिन हाँ, हमारा पास जो है हमारा ऑपरेटर लेवल से हमारा रेंज है, बहुत सारी चीजें है उससे, या फिर आपका हमारा जो पैटर्न है एडवांस कैंडल स्टिक पैटर्न है एडवांस चार्ट पैटर्न है उससे हम लोग ये फाइंड आउट सोच लेते हैं कि ये मार्केट का डे हाई होगा या फिर ये मार्केट का डे लो होगा। सेकंड हाफ में तो मैं ऑलरेडी वीडियो बता के रखा है कि 12 बजे के आसपास मार्केट सेकंड हाफ का डे हाई नहीं तो डे लो होता है, तो इस टाइप का मैं ये वीडियो में ये नहीं बताऊंगा कि मार्केट का डे हाई कौन सा है और डे लो कौन सा है, ये बताऊंगा कि मार्केट का डे हाई से डे लो का रेंज एंड डे लो से डे हाई का एग्जैक्ट जो रेंज है आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये भी अगर आप सीख जाते हैं ना तो भी आपको इतना हेल्प होने वाला है कि आप सोच नहीं सकते। जैसे कि ये वाला स्टेज पे इसमें हम लोगों का जो प्राइस सेक्शन है जो नंबर सिस्टम है वो बता देता है कि मार्केट का ये अगर ये रेजिस्टेंस ले रहा है तो ये मार्केट का डे हाई होने वाला है। ये आपका कौन सा, देखिए 43,555 ये कौन सा लेवल है, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना के रखा है कि इस लेवल को फाइंड आउट कैसे करना है। ये सेम वीडियो है, ये वीडियो है, ये जो 10 लाख पेड स्ट्रेटजी 5,000 सब्सक्राइबर स्पेशल हाउ टू फाइंड द ऑपरेटर लेवल, इस वीडियो में मैंने ये चीज बता के रखा हुआ है, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हुए मैं इसका जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ठीक है। ओके नहीं तो आप सर्च कर सकते हैं 10 लाख पेड स्ट्रेटजी। ओके इसमें क्या हो जाएगा, देखिए अगर ये चीज और क्या इसमें आप लोगों को कैंडल स्टिक का भी कंफर्मेशन अगर मिल जा रहा है या फिर आपको इसमें लग रहा है कि मार्केट नहीं नीचे की तरफ आ रहा है, ये डे हाई हो सकता है मार्केट का, ये मार्केट का क्या हो सकता है, डे हाई हो सकता है। अगर एक बार इसको आप जान लिए कि ये मार्केट का डे हाई हो गया तो फिर डे लो क्या होगा, कितना रेंज तक आएगा वो आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं वीडियो को बताने तक मतलब मैं अभी वीडियो में बताऊंगा नहीं, मैं अभी वीडियो को स्टॉप कर दूंगा, तो आप कभी भी ये वाला रेंज को ना फाइंड आउट नहीं कर सकते कि मार्केट आज का डेट में 1000 पॉइंट नीचे जाने वाला है, कभी भी नहीं इस टाइम फ्रेम पे, मतलब 10 बजे कभी भी आप 11 बजे ये सोच नहीं सकते कि मार्केट अभी नीचे 1000 लेवल जाने वाला है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप सोच भी सकते हैं कि मार्केट अगर नीचे जा रहा है, अगर ये डे हाई हो गया आज का डेट में मार्केट में, अगर ये डेट हाई हम इसको कंसीडर करते हैं ये फिर हो गया तो फिर 1000 पॉइंट मार्केट नीचे जाने का चांस रखता है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और इसको समझते हैं, लेकिन उससे स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें पॉइंट्स बताता हूं, एक दो पॉइंट्स उसको ध्यान रखिएगा। सोच लीजिए एक रेंज आया आपका, हम लोग कुछ कैलकुलेशन किए, कैलकुलेशन बेस पे निकालेंगे, एक रेंज आया आपका 11 या फिर 1200, सोच लीजिए कि 1200 आपका एक रेंज निकल के आया कि आज मार्केट 1200 पॉइंट्स दे सकता है। तो इसका मतलब जो हम रेंज कैलकुलेशन पे जो लोग जब मार्केट रियल रियल मार्केट जो बनेगा, रियल मार्केट जो मार्केट जाएगा तब 50-60 पॉइंट्स 50-60 पॉइंट्स, जैसे कि ये बड़ा लेवल है ये कितना है 1200 पॉइंट्स, तो ऐसा सिचुएशन पे 9200 पॉइंट या फिर इससे भी थोड़ा सा ज्यादा 150 के आसपास आपको इधर उधर का देखने के लिए मिल सकता है क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट्स है। जब ऐसा सिचुएशन पे होता है क्या है कि ये सिर्फ एक कैंडल से दूर रहता है, एक कैंडल मतलब एक 5 मिनट का कैंडल, 15 मिनट का कैंडल मत नहीं कर रहा हूं, इसमें देखिएगा क्या हो जाते हैं आप लोगों का कि एक कैंडल को अगर आप कंसीडर करते हैं, देखिए कितना पॉइंट्स है, 180 पॉइंट है, चलिए ये तो बड़ा कैंडल हो गया, ये छोटा कैंडल को कंसीडर करते हैं ये 100 पॉइंट आपका हो गया, मतलब एक कैंडल का जो रेंज होता है वो आपको थोड़ा सा दिख सकता है। अगर ये रेंज आपका फाइंड आउट हुआ इस सिचुएशन पे मे बी मार्केट इतना तक आया है, इतना तक नहीं आया है, मतलब परफेक्ट नहीं आया। ये कमेंट्स में आप ये मत बताने लग जाएगा कि सर परफेक्ट टू परफेक्ट पॉइंट नहीं क्यों नहीं आया, अगर मैं कैलकुलेशन करके आपको 1000 पॉइंट बताया 900 पॉइंट मार्केट क्यों गया, 1000 तो क्यों नहीं गया, ये आप बिना लॉजिक का कुछ कमेंट्स पे आप मत दीजिएगा। इसको आपको समझ लेना कि अगर एक कैंडल रेड कैंडल बन जाता तो ये जो रेंज को वो कवर अप कर लेता चाहे भी किसी भी दिन का हो, तो इसलिए एक कैंडल का जो रेंज है वो माफी होता है,
है, इस चीज को आपको समझना है। अगर रेंज, अगर 1200 पॉइंट्स का रेंज निकलता है, मतलब 1000 से ऊपर का रेंज निकलता है, तो फिर इतना पॉइंट आपका माफी होता है। अगर 500 के आसपास का पॉइंट्स होता है, कि रेंज अगर आपका 500 पॉइंट्स निकलता है, 400 to 500 पॉइंट, कि इतना पॉइंट मार्केट आज जाएगा, उस सिचुएशन पे आपका रियल मार्केट जो है, एक कैंडल का कितना होता है, 40 to 50 60 पॉइंट्स होता होगा। तो आपको उस सिचुएशन पे 50 to 60 पॉइंट्स आपको माफ होता है, मतलब मार्केट में भी 50 60 पॉइंट्स रह जाएगा, जाएगा नहीं, जाएगा तो फिर अच्छी बात है, आपने जितना फाइंड आउट किया था उतना चले गया, ठीक है। तो ये आपके लिए माफी है, इसलिए मैं वीडियो में ये चीज बता दे रहा हूँ पहले ही। अगर आप पूरा वीडियो को देख रहे हैं तो ये आप लोगों को, अगर मार्केट का रेंज जो है, जैसे कि ये डेट पे अगर मार्केट 1000 पॉइंट आया है नीचे की तरफ, तो इसका मतलब एक बड़ा रेंज निहित कैलकुलेशन दिया होगा। उस सिचुएशन पे अगर 100 पॉइंट मार्केट जा नहीं पा रहा है, उसको माफी किया जाता है, क्योंकि एक कैंडल का ही डिस्टेंस वो होता है। अगर एक रेड कैंडल बन जाता उसको कवर अप कर लेता, एक रेड कैंडल मतलब सिर्फ 5 मिनट, सोच लीजिए 9:15 से लेके 3:30 बजे तक कितना मार्केट, मतलब कितना टाइम मार्केट स्पेंड कर रहा है। अगर सिर्फ 5 मिनट और हो जाता तो फिर वो रेंज आपका कवर अप कर देता। तो इसलिए उसको आप लोग को थोड़ा सा 75 74 कैंडल बन रहा है, एक कैंडल तो इधर उधर हो ही सकता है, इसलिए वो चीज को मैंने पहले ही बता दिया इस सिचुएशन को। नहीं तो आप बाद में ये मत बताइए कि सर एग्जैक्ट निकाल के दीजिए, एग्जैक्ट मतलब जो 1000 पॉइंट आया कैलकुलेशन पे वही 1000 पॉइंट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए सर, ठीक है। चलिए इस चीज को सीखते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले इसको सीखने से पहले मैं कुछ चीजें, क्वेश्चन आप लोगों को करना चाहता हूं कि मार्केट किस बेसिस पर चलता है, मार्केट कौन सा ऐसा पॉइंट है जो मार्केट चलता है, सप्लाई डिमांड ट्रेंड लाइन ऑपरेटर बिहेवियर स्मार्ट मनी जितने भी कुछ है, इन्हीं के बिहेवियर से मार्केट अगर वो बाइंग सेलिंग ट्रांजैक्शन सभी में एक चीज कॉमन आता है, सभी में कौन सा चीज कॉमन आता है पता है सर आप लोगों को, सभी में प्राइस कॉमन आता है। आप कुछ भी लीजिए साइड में, ये जो प्राइस आप देख रहे हैं ना, ये प्राइस आपका आएगा ही आएगा। और नंबर मेरे को बहुत पसंद है क्योंकि मैं एक इंजीनियर स्टूडेंट हूं, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहा हूं, एमटेक कर रहा हूं, तो मैं एक इंजीनियर, तो मेरे को नंबर बहुत पसंद है, तो इसलिए प्राइस हर चीज में आ जाता है। तो प्राइस का बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस है, नंबर का इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा है। जो लोग भी साइंस बैकग्राउंड से है या फिर इवन 10th तक पढ़ाई किए, अगर आप 10th तक पढ़ाई नहीं किए तो सॉरी सर माफी चाहता हूं, लेकिन जो लोग इवन 10th तक भी पढ़ाई किए हुए है या फिर +2 के बाद साइंस लिए हुए है, उनको एक वैल्यू है मैथमेटिक्स में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना मैथ फिजिक्स कुछ भी नहीं है, उसके बिना मैथ एंड फिजिक्स कुछ भी नहीं है। क्या आप वो आप अभी सोच सकते हैं मेरे बताने से पहले, वो कौन सा वैल्यू है? वैल्यू याद रखिए, एक ऐसा वैल्यू है उसके बिना आपका मैथमेटिक्स आपका फिजिक्स कुछ भी नहीं है। फिजिक्स में हर एक चीज में वो आ जाता है, मैथमेटिक्स पे भी, ज्योमेट्री में तो पूरा का पूरा उस आता है वो। बता सकते हैं आप लोग, सोच सकते हैं, बिल्कुल आप लोग सोच लिए होंगे क्योंकि आप लोग मुझे मालूम है वीडियो को बहुत सारे साइंस बैकग्राउंड से लोग भी देख रहे हैं, अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से भी लोग देख रहे हैं तो वो भी समझ जाएंगे। लेकिन ये साइंस एंड फिजिक्स, सॉरी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, वो है पाई, ठीक है। अभी आप लोग ऑलरेडी समझ गए होंगे पाई, एक पाई है जो मैथमेटिक्स में एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, 3.14 को रिप्रेजेंट करता है। उसका वैल्यू जो होता है, वैल्यू ऑफ पाई कितना है सर, वैल्यू ऑफ पाई आपका है 3.14। ये पाई को लेके मैंने पहले भी बहुत कुछ चीजें, मतलब ऑलरेडी मेरा है इसमें, अगर आप देखिएगा कोर्स में तो आपको इसमें मेरा सीक्रेट जो ये है, मेरा नॉलेज एंड एक्सपीरियंस में आपको दिखेगा कि ये पाई चीजें दिख जाएगा ऑलरेडी। देखिए पाई मेथड टू कैलकुलेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, लेकिन आज हम यूज करेंगे पाई को यूज करके मार्केट का डे हाई टू डे लो का रेंज निकालेंगे। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है सर, मैं बता रहा हूं तो पॉसिबल है, और बाकी और कोई बताता तो शायद वो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन मैं अगर बता रहा हूं तो ये पॉसिबल है, ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है, ठीक है, ओके। तो वैल्यू ऑफ पाई जो है वो 3.14 है। क्या आप लोग 2-3 मिनट टाइम दे सकते हैं कि पाई का हिस्ट्री जानने के लिए, पाई को सबसे पहले कौन फाइंड आउट किए थे? इंडियन में भी, इंडियन मैथमेटिशियन का भी इसमें रोल है पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू को निकालने के लिए। अगर देखिएगा इसमें कि पाई विकिपीडिया, पाई वैल्यू लगा दीजिए आ जाएगा वो। इसमें देखिए क्या दिखा रहा है आपको, पाई का वैल्यू कितना है सर, 3.14159 ऐसे चलते चले जाए, लेकिन हम लोग कंसिडर जो करते हैं एक इंजीनियर एक साइंस स्टूडेंट के हिसाब से 3.14 को कंसिडर करते हैं हम लोग, ओके। सो इसमें पाई का विकिपीडिया अगर आप देखते हैं,
तो इसमें देखिएगा पाई का एक मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट है, बहुत चीजें हैं इसमें, इतना सारा चीजें हैं कि ऐसे अगर चलते चलेंगे कि बहुत कुछ इसमें आपको दिखा देगा। इसमें इसको पहले सबसे पहले जो केप कौन फाइंड आउट किए थे, इसका नेम जो है देखिएगा, यूज्ड बाय मैथमेटिशियन टू रिप्रेजेंट द रेशियो ऑफ सर्कल सर्कमफेरेंस एंड इट्स डायमीटर इन द टू द लोअर केस, ग्रीक लेटर है पाई का, जो है वो एक ग्रीक लेटर है और पाई को इस टाइप का प्रोनाउंस किया जाता है और पाई का ये सिंबल है, कुछ इस टाइप का आपको दिखता है पाई। ओके, इसका डेफिनेशन वगैरह है लेकिन हम लोग ये सब नहीं जाएंगे, इसमें बहुत सारे चीजें मैथमेटिकल है कि आप लोग समझ नहीं पाएंगे, आपका दिमाग जो है वो काम नहीं करेगा अगर कोई इसको आर्ट्स या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से देख रहे हैं। इसको देखिए, ये द ग्रेट मैथमेटिशियन, द ग्रेट ग्रीक मैथमेटिशियन आर्किमिडीज, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल वगैरह भी है, अगर कोई साइंस फिजिक्स स्टूडेंट साइंस स्टूडेंट देख रहे हैं तो इसको मतलब बहुत सुना ही होगा, इनका नाम मतलब सुना ही होगा, द ग्रेट ग्रीक मैथमेटिशियन आर्किमिडीज, ये सबसे पहले पाई का अप्रोच लाए थे। ठीक है, और इंडिया में किनका, देखिए था इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्टा यूज द वैल्यू ऑफ 3.14 इन इच आर्यभट्टिया फॉर 99 AD ह्यूमनिश, ये वर्ड आप लोग सुने होंगे, ये ऑल्सो नॉलेज लेटर ऑफ द इटालियन मैथमेटिशियंस, ये इनके साथ कंप्यूटेड 3.14 यूजिंग ए पॉलीगोनल मेथड। तो जो इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इंडियन एस्ट्रोनॉमर का भी बहुत ज्यादा रोल था, और आर्यभट्ट को तो सब लोग जानते होंगे सर, आर्यभट्ट को कौन नहीं जानता है, अगर आर्यभट्ट नहीं होते आज दुनिया शून्य शून्य होता मतलब जीरो को कौन फाइंड आउट किए थे, जीरो, जीरो का इंपॉर्टेंस आप लोग जानते हैं राइट, जीरो को अगर आज आर्यभट्ट अगर जीरो नहीं देते तो आज दुनिया जो शून्य नहीं होता, शून्य ही नहीं होता तो शून्य शून्य आज दुनिया होता है, तो इसलिए जीरो का वो जीरो भी वही फाइंड आउट किए थे, जीरो को दुनिया को जीरो वही दिए थे और आपका पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू भी वही एक टाइप का हेल्प किए थे। ओके, तो इसलिए पाई का वैल्यू सर कितना आ गया, बस इतना समझ लीजिए, मैं आपको कुछ बता नहीं, बहुत सारे पाई का इंपॉर्टेंस है, अगर आप जाएंगे ये खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, बहुत रोल है पाई का। तो जो ऑपरेटर वाले होते हैं ना, बहुत मतलब बहुत बेस्ट ब्रेन ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है कि मार्केट में बैठे हुए हैं। ठीक है, और सब कुछ नंबर्स के ऊपर में चलता है, और पाई देख सकते हैं कि पाई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स इनके बिना, पाई के वैल्यू के बिना शून्य है, शून्य आपको मालूम होगा आर्यभट्ट निकाले थे, तो अगर पाई के वैल्यू के बिना फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंप्लीट नहीं है, आप अगर कोई भी इस चीज को प्रोफेसर देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियो मेरा जो वीडियो है प्रोफेसर लोग भी देखते हैं, उनको ये चीज मालूम होगा, और हर एक साइंस स्टूडेंट को मालूम होगा कि पाई का वैल्यू के बिना फिजिक्स मैथमेटिक्स का कुछ रोल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मार्केट पे जो लोग बैठे हुए हैं ना सर, वो भी पाई को लेके बहुत सेंसिटिव है, जैसे मैंने बताया था कि 7 को लेके सेंसिटिव है, पाई का वैल्यू को लेके वो लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। चलिए मैं इसको यूज करेंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको लेके कुछ मार्केट में सीक्रेट तो जरूर होगा, मैंने बहुत सारे रिसर्च किया और फाइनली हमने ये चीज को डेवलप कर दिए और अभी भी इसके ऊपर मेरा काम चल रहा है। ओके, वीडियो ज्यादा कितना मिनट का हो गया, 23 मिनट का हो गया, ये वीडियो में भी 1 आवर तक जा सकता है, जैसे कि ये वाला वीडियो देख सकते हैं आप, ये मेरा 1 आवर का वीडियो था, आप लोगों ने पूरा का पूरा इतना ज्यादा व्यूज दिए हुए, तो इसको भी प्लीज देख लीजिएगा, 1 आवर तक आपका जिंदगी में भी इससे चेंज हो सकता है, आपका स्टॉक मार्केट का करियर इसमें आपको चेंज हो सकता है। सबसे पहले मैं कुछ आप लोगों को थियोरिटिकल बता देता हूं, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल करके समझाऊंगा कि ऐसे फाइंड आउट कैसे करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये वैल्यू ऑफ पाई क्या है, आपका वैल्यू ऑफ पाई सर आपको कितना मिला, इसका ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं होगा, 3.14। सबसे पहले इसको क्या करना है, मार्केट का जो बैंक निफ्टी का पहला 5 मिनट का रेंज को आपको निकालना है। रेंज कैसे फाइंड आउट करना है सर, रेंज आप इसका देखिए, ये जो मार्केट का पहला 5 मिनट का कैंडल का जो हाई है और इसका जो लो है, इसका डिस्टेंस क्या है और कितना पॉइंट्स का है, इसके लिए आप डायरेक्ट भी इसे प्राइस रेंज लो पे मार्क करना है सर आपको, और लो टू हाई आप इसे जा सकते हैं कि कितना पॉइंट्स है। देखिए इस टाइप का आपको रेंज को निकालना है, ये आ रहा है 365 पॉइंट के आसपास, देखिए पॉइंट्स 5-10 पॉइंट इधर उधर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोग रेंज फाइंड आउट कर रहे हैं, हम लोग पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड आउट नहीं कर रहे मार्केट पे। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि 360 पॉइंट्स आया आपका, 365 आया ना, लेकिन हम लोग 360 पॉइंट्स को कंसिडर कर रहे हैं, ये आपका 5 मिनट का रेंज, 5 मिनट रेंज आपको क्या करना है,
ये जो 5 मिनट का जो रेंज आया ना, इस 5 मिनट को आपको अच्छे से देखना है, ये जो मैं समझा रहा हूं आप लोगों को, बाकी आपने स्किप कर दिया तो ठीक है। चलिए, ये जो 360 आया पॉइंट्स, इसको क्या करना है आपको, आपको इसको कैलकुलेशन पे लेना है। कैसे कैलकुलेशन लेना है कि 5 मिनट कैंडल रेंज, मतलब जो 360 पॉइंट आया, आपको मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? पाई के साथ, वैल्यू ऑफ पाई, वैल्यू ऑफ पाई। जो भी रिजल्ट आएगा सर, वो एक मार्केट का हाई हो सकता है, याद रखिएगा, सॉरी वो एक रेंज हो सकता है, हाई टू लो, जो भी वैल्यू आएगा। स्टेट कुछ नहीं करना है, बस 5 मिनट का रेंज और पाई को आपको मल्टीप्लाई कर देना है, वो एक रेंज हो जाएगा। ये आपका पहला रेंज, ये भी ये रेंज हो सकता है मार्केट का, डे हाई टू डे लो। क्योंकि अगर सोच लीजिए, ये नहीं होगा, क्योंकि ऐसा तो हम एक को कंसिडर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए क्या होगा, जो भी आपका आंसर आएगा, जो भी आपका आंसर आया, किससे, ये जो रेंज का, ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है मैंने, सोच लीजिए ये आपका आंसर है, आंसर को आपको डिवाइडेड बाय सर टू करना है, जो भी आएगा, सोच लीजिए ये आया आपका, ये रेंज आया, जो भी आंसर आएगा, ये रेंज आ गया, ये आपका एक सेकेंड, मतलब ये भी हो सकता है, सबसे पहले इसको यूज करना है, क्योंकि ये आपका स्मॉल रेंज होगा, सबसे पहले आपको स्मॉल रेंज पहले ऐड करना है, इसके बाद अगर उसको भी मार्केट तोड़ के नीचे की तरफ जा रहा है, तब जाके ये पहला वाला जो रेंज है आपको यूज करना है, सबसे पहले ये सेकेंड वाला जो मैंने लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले आपको यूज करना है। अगर ये दोनों के साथ, इसको मेरे को पहले फास्ट लिखने दीजिए, ये आपका पहला है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूजन ना होंगे, ये आपका पहले, तो ये जो रेंज आएगा आपका, मतलब जो 5 मिनट का कैंडल को वैल्यू ऑफ पाई से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइडेड बाय टू करेंगे, जो आएगा उसको आपको पहले रेंज लेना है, कि वही मार्केट का लो, डे हाई टू डे लो का रेंज हो सकता है। अगर वो उसको भी मार्केट ब्रेक करके नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि अगर ब्रेक नहीं करता है तो वही तो होगा, मार्केट ऊपर की तरफ रहेगा, तो वो रेंज निकल गया आपका हाई से लो। लेकिन अगर मार्केट उसको भी ब्रेक करके नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये जो आप देख रहे हैं सेकंड वाला, जो पहले मैंने लिखा हुआ है, ये सेकंड अभी कर दिया, ये आपका आंसर होगा रेंज के हिसाब से। अगर ये दोनों को मार्केट ब्रेक करके नीचे की तरफ जा रहा है, तो फिर आपको क्या करना है, ये जो वन और टू का रेंज, ये वन रेंज एक क्वेश्चन मार्क है, क्लोज कर लेना है आपको, एड कर देना है, किसके साथ, सेकेंड का एंसर के साथ, ये आपका टू रेंज है, लगभग लगभग इतना पॉइंट्स मार्केट जाता है। अगर इसको भी तोड़ के चले जाते हैं तो को आपको टेंशन लेने का कोई बात नहीं, ऑलरेडी बहुत पॉइंट्स आपको मिल गया होगा, बहुत पॉइंट्स, क्योंकि हमने 3.4 से मल्टीप्लाई करना है, याद रखिएगा 3.14 से मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत बड़ा रेंज आपको मिल गया होगा इससे। तो ये लगभग लगभग ये तीनों ही चीज कितना ईजी है, देखिए मैं जो भी सिखाता हूँ ना, बहुत ईजी होता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। मुझे मालूम है स्टॉक मार्केट में ऐसे भी लोग हैं जिनको कैलकुलेशन का कोई भी नॉलेज नहीं होता है, वो लोग भी इस चीज को समझ सकते हैं, मैं ऐसे समझाता हूँ। ये चीज आपका हो जाएगा। चलिए इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, ये आपका थ्योरी हो गया, चलिए मैं एक प्रैक्टिकल ले लेता हूं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, ठीक है ना, मैं इसको थोड़ा सा ये साइड पे ले आता हूं, ताकि आप लोग को स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं ये चीज को, ये थ्योरी को देखिए। ओके, 5 मिनट कैंडल का रेंज को 3.14 से मल्टीप्लाई करना है, जो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइडेड बाई टू करना है, जो आएगा वो आपका पहला रेंज होगा, वो डे हाई टू डे लो हो सकता है। अगर मार्केट उसको तोड़ देता है तो फिर ये सेकंड, जो पहले आप वैल्यू निकाले थे, वो आपका सेकंड रेंज हो जाएगा। अगर उन दोनों को तोड़ देता है, फिर इन दोनों को ऐड कर देना है, जो आपका आंसर आया होगा उसको आपको ऐड कर देना है, बस काम करता हूं। इतना तो मार्केट बहुत कम टाइम आता है, ये जो लास्ट देख रहे हैं ना 3 नंबर वाला, इसमें मैंने तीन जो लास्ट में मैंने लिखा, बहुत कम तक आता है मार्केट, कभी कभार आता है, याद रखिए, हमेशा नहीं। चलिए इस चीज को प्रैक्टिकली समझते कि ये एक्चुअली में काम करता है फिर नहीं करता है। ओके, सो इसका रेंज क्या है, ये 5 मई का रिसेंट डाटा, मैं हमेशा कहता हूँ रिसेंट डाटा देखना जरूरी है, कि अभी के लिए मार्केट में क्या चल रहा है। ऑपरेटर लोग चेंज करते रहते हैं अपना स्ट्रेटजी वगैरह को, अभी के लिए क्या चल रहा है ना, उसके ऊपर ध्यान देना है। 364 पॉइंट्स का आपका रेंज है, पहला 5 मिनट, आप टाइम फ्रेम ये देख सकते हैं, ये पहला 5 मिनट का टाइम फ्रेम है आपका। ओके, अब क्या हो जाएगा आपको, अब आपको कैलकुलेटर ले लेना है। चलिए मैं कैलकुलेटर देता हूँ आपके सामने, ये हमारा कैलकुलेटर है। ओके, आपको करना क्या है, पहले मैं इस पे लिख देता हूं कि पहले आपको क्या लेना है, 5 मिनट का रेंज, 5 मिनट का रेंज कितना है, 360 ले लीजिए। इसको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है, कितना पे मल्टीप्लाई करना है, 3.14। ये 3.14 क्या है आपको मालूम है, ये वैल्यू पाई है, कितना आएगा चलिए इसको देखते हैं, किसमें देखेंगे, कैलकुलेटर पे देखेंगे।
360 को मल्टीप्लाई करना है 3.14, कितना रेंज आया? 1130 आपका रेंज आया। सबसे पहले कितना रेंज आपका आंसर कितना आया? 1130, 1130। ये आपका कौन सा रेंज होगा? ये आपका सेकंड रेंज होगा। सब इसको सेकंड में यूज करना है, सेकंड में। फर्स्ट में क्या है, किसको यूज करना है? फर्स्ट में जो आंसर आया, मतलब 1130 जो आया आपका, उसको आपको किससे डिवाइड करना है? टू से डिवाइड करना है, दो से। तो कितना आ जाएगा, चलिए कैलकुलेटर पे देखते हैं। मैं परफेक्ट लेना चाहता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। देखिए 1130 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है? 565। कितना आ रहा है सर? 565। 565 ये आपका पहला होगा, फास्ट। अगर इसको भी मार्केट तोड़ देता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन चलिए सोच लीजिए कि तोड़ दिया, तो ये 1130 और 565 को आपको ऐड कर लेना है। 1130 प्लस 565, 1695। तो आपका इसमें क्या करना है सर? 1130 प्लस 565 आपका क्या आ जाएगा? 1695। ये आपका थर्ड है, ये लास्ट पे होगा। अभी आपको हमने कैलकुलेशन पे रेंज निकल गया, आपका फर्स्ट रेंज, सेकंड रेंज, थर्ड रेंज आप लोगों का मिल गया, डे हाई टू डे लो। सोच लीजिए मार्केट किसी भी रीजन से, चार्ट पैटर्न से, जैसे कि ये राउंडिंग आप लोग का क्या बना रहे हैं मार्केट, इसमें आप लोग का लेबल है, कौन सा लेबल है मैं बता देता हूं। इसमें जो आप लोगों को मैंने सिखाया हुआ है ऑपरेटर रेंज, जो लोग ऑलरेडी मेरा वीडियो देखे हुए हैं ऑपरेटर रेंज, उनको ये चीज मालूम है। जो लोग नहीं देखे हैं, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें ऑपरेटर का रेंज फाइंड आउट, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना, ये 555, मैं क्यों मार्क किया 43,555, उस वीडियो से आप लोग को समझ में आ जाएगा मैंने क्यों मार्क किया। देखिए इसी पॉइंट से मार्केट क्या लिया आपका? रिवर्सल लिया। इस पॉइंट से मार्केट रिवर्सल लिया। चलिए इस सिचुएशन पे अगर आप चार्ट पैटर्न को फॉलो करते हैं, तो इससे आपको एक आइडिया आ गया कि ये शायद मार्केट एक राउंडिंग टॉप बना रहा है। क्या बना रहा है? एक राउंडिंग टॉप मार्केट बना रहा है। तो ये मार्केट का आज का डेट का हाई हो सकता है। सोच लीजिए, आपने इसे देख ली कि ये मार्केट का क्या है, आज का डे का हाई, डे हाई है। जैसे ही आपको डे हाई मिल जाएगा, मैं क्या बता के रखा हूं, आप डे लो को फाइंड आउट कर सकते हैं सर। अगर आपको डे हाई मिल गया इस माध्यम से, ऑलरेडी देखिए कैलकुलेशन मैंने करके रखा हुआ है कितना अच्छा से। पहला आपका क्या होगा सर? 565। तो चलिए सबसे पहले हमको क्या लेना है, ये हम लोगों ने डे हाई पे मार्क किए, कितना लेना है सर? 565 याद रखिएगा। देखिए रेंज ले रहे तो आप छोटा मोटा पॉइंट इधर उधर होगा, एग्जैक्ट देखिए 565 आपको मिल गया कि इसी से मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट किया। तो ये मार्केट का एक डे लो हो सकता है, पहला रेंज आपका ये डे लो हो जाता। लेकिन मार्केट दोबारा क्या किया, ये जो राउंडिंग टॉप बना रहा था, अब मार्केट इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बनाया। क्या किया मार्केट? अब इन्वर्टेड कप एंड हैंडल बनाया, मतलब अब मार्केट इसको तोड़ के जब नीचे आएगा, इसको तोड़ के नीचे की तरफ जाएगा। ऐसा सिचुएशन पे क्या हुआ, ये जो आपका डे लो बना था, इसको आपको हटाना होगा। अब आपको पहला रेंज तो आपको ले लिए थे, अब मार्केट पहला रेंज को तोड़ने वाला है, तो आप कितना लेंगे? 1130, मतलब 1100 आपको लेना है। तो चलिए लेते हैं 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100। देखिए 1100, ये आपका 1100 है सर, ये आपका 1100 है। इसमें मैं लाइन मार्क करता हूं, ये मत बताइएगा सर कि इतना पॉइंट सर क्यों नहीं आया, आना चाहिए था सर इतना पॉइंट। कितना पॉइंट है सर, कितना पॉइंट मिस कर गए हम लोगों ने? सिर्फ 70 पॉइंट्स। इतना बड़ा रेंज का, 1000 का रेंज से आप 60-70 पॉइंट्स से इधर उधर का होगा ही होगा। एक कैंडल सर, मैं क्या बताता हूँ कि सर, एक कैंडल का वैल्यू देखिए कितना, 96। एक कैंडल को अगर आप नीचे की तरफ रखेंगे तो आपका जो है वो रेंज आ जाएगा, देखिए सर, जो आपको परफेक्ट रेंज भी आ जाएगा। क्या लगा आपको? तो मार्केट डे हाई से डे लो हम पहला 5 मिनट पे ही ये फाइंड आउट कर सकते हैं, इम्पॉसिबल लगा ना सर? देखिए मैंने बताया था ना, इसमें पॉसिबल करवा दूंगा,
ओके, क्या आपको लग रहा है इसमें एक दिन पे काम क्या है? क्या आपको लग रहा है? बाई चांस में भी कोइंसिडेंस, मैंने जैसे कि ये वीडियो डाला था, वो 5,000 वाला वीडियो डाला था, 5,000 सब्सक्राइबर वाला, बोले कोइंसिडेंस। अरे सर आज भी देखिए, मैंने तो वो 1-1.5 महीना पहले डाला हुआ है, आज का डेट पे भी देखिए वो काम कर रहा है, कोइंसिडेंस नहीं है, हर दिन काम करेगा सर। ये चीज भी ऐसे ही। ओके, कितना टाइम हो गया? चलिए ये आपका कोइंसिडेंस हो गया, टाइम है हमारे पास, अभी तो सिर्फ 35 मिनट हुआ है, वो वीडियो तो मैंने 1 घंटा बता दिया था, मतलब अभी भी मैं आप लोगों को 1 महीने का, चलिए 1 दिन का मार्केट में बना लिए, आप लोग बोल सकते सर ये कॉन्फिडेंस है, मैं भी ऐसे हो गया है, क्या है हो गया है, बाय चांस बाय मिस्टेकली हो गया है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को 1 महीने का करके दिखा दूंगा तो फिर अभी तो मैंने आपको बता दिया, अब तो आप खुद कर सकते हैं। लेकिन चलिए इसी वीडियो में ही मगर 1 महीना का करके दिखा दूं तो आप इसको कोइंसिडेंस कहेंगे? अगर मार्केट पूरा का पूरा मई अप्रैल महीना में ये काम किया होगा, उसके बाद मार्च में काम किया होगा, मतलब अभी 2-3 महीना हो गया, मगर 1 महीना में तो अभी दिखाऊंगा आप लोगों को, क्या 1 महीना अगर एक स्ट्रैटेजी हर दिन काम किया है, क्या आप उसको कोइंसिडेंस मानेंगे या फिर मेरा स्किल मानेंगे? सर अगर मेरा स्किल मानते हैं ना तो वीडियो में एक आपका कमेंट होना चाहिए, जितना व्यूज आएगा, अगर 11,000 व्यूज, क्योंकि बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट होता है, अगर 11,000 व्यूज आ रहा है, एटलीस्ट उसका ले लीजिए कि 10 टाइम्स, 11,000 का 10 टाइम्स कितना होता है सर? आप लोगों को मालूम है 11,000 का 10 टाइम्स कितना होता है? अगर आप 11,000 को 10 में, तो 1,100 के आसपास कमेंट्स होना चाहिए मेरा वीडियो में, तो मुझे आपको लगेगा कि हाँ मैं आप लोगों को देख के सही किया। जैसे कि ये वाला मैं आपको देख रहा कि 539 कमेंट्स हुआ है, इसमें 1,100 के आसपास कमेंट्स होना चाहिए इस वीडियो में, प्लीज कमेंट दे दीजिए ताकि आप लोगों को गिव अवे भी मिल जाए, मे भी आपका लॉक में होगा तो ओके। इसलिए एक कमेंट सब मिलता है ना, मुझे खुशियां मिलता है, और बाकी कुछ चीजें जरूरत नहीं है, मुझे सिखाने का खुशियां मिलता है, ठीक है ना? ओके चलिए, ये डेट आपका 5 मई हो गया। सबसे पहले इनिशियल रेस का हम लोग देख लेते हैं, मतलब ये लाइन को हटा के सबसे पहले हम लोग कुछ मतलब रिसेंट डेट का देख लेते हैं, मई महीना का देख ले, उसके बाद हम लोग रैंडम डेट लेंगे। ओके ये सब चीजें मैं हटा रहा हूं ताकि आपका जो चार्ट है वो क्लियर रहे। ओके चलिए ये आपका 5 मई का हो गया। चलिए सर 4 मई का लेते हैं। ओके अब मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को समझा दिया, अभी मैं इस सबको हटा देता हूं, ठीक है ना सर? अब बस डायरेक्ट कैलकुलेशन लेंगे ताकि चार्ट क्लियर मिलेगा, ज्यादा हम लोग को टेंशन नहीं होगा। देखिए सबसे पहले डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, इसका आपको 5 मिनट, ये आपका ओके सेशन मार्क मुझे मार्क करने दीजिए, आप लोग नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, सेशन मार्क मुझे मार्क करने दीजिए ताकि आप लोगों को मालूम चले कौन सा पहला 5 मिनट का कैंडल है। देखिए अब हो गया आपका सेशन मार्क, 5 मई का कर दिया हम लोगों ने, अब चलिए 4 का करते हैं, 4 मई का, 5 मई का कर दिया, अब चलिए 4 मई का करते हैं। अब देखिए ये कितना पॉइंट्स का है सर, 158, तो चलिए स्पीड पे हम लोग लेते हैं, इसी पे 158 को आपको कितने पे मल्टीप्लाई करना है, 3.14 से आपको मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा सर आपका 496, ये आपका सेकेंड रेंज होगा। पहला रेंज क्या होगा सर, इसी को ही अगर आप डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं तो आपका ये हो जाएगा, मतलब 248, मतलब 250 होगा, नहीं तो 500 आपका होगा, ये दो रेंज आपके पास आ गया। तो चलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, एक साथ में मैं आप लोगों को इसको दिखाता हूं कि ऑलरेडी मैंने एक लिख के बता दिया, इसमें आपका कौन सा हो जाएगा सर, इसको आपको क्या करना है, दोबारा मैं लिख देता हूं। देखिए 158 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी के आसपास का आपका आएगा, कितना आसपास का आएगा, 500 के आसपास, अगर आप 500 को इसी के आसपास, ठीक है ना, मैं एग्जैक्ट नहीं ले रहा हूँ, 250 आपका आ जाएगा, ये दो रेंज, अगर इसको भी आपको ऐड करना है तो 500 को आपको प्लस कर लेना है 200 से, आपका कितना आ जाएगा 700। ये 700 चीजें आपको हमेशा जरूरत नहीं पड़ेगा, कभी कभार आपको जरूरत पड़ेगा। चलिए इसमें सबसे पहले आपको 250 का देखना है, अगर मार्केट 250 को ब्रेक कर रहा है आपको 500 का देखना है, चलिए देखते हैं कि मार्केट दिया है या फिर नहीं दिया है, लो से हाई, चलिए ये आपका लो है, ये लो है तो इसी से कंसिडर कर लीजिए, कितना पॉइंट देखिए 500 पॉइंट आपको देना चाहिए, लो से, कहां से, लो से, देखिए कितना पॉइंट्स दिया हुआ है सर, डे लो टू डे हाई मुझे बताइए, आ गया इसमें, देखिए ऑलरेडी आपने पहला 5 मिनट से ये 500 पॉइंट्स जो दिया है मार्केट, क्या आपने कैलकुलेशन कर दिए है मुझे बताइए,
आपको क्या लग रहा है, कॉइंसिडेंस है? मुझे सर आप जानते नहीं है मैं मार्केट का कितना सीक्रेट तक जा सकता हूं और कितना डीप तक जा सकता हूं। ये आप मेरे बारे में आप गलत व्यू रखे हुए हैं। कभी आइएगा, लाइट मिलिएगा मुझे, तब आपको बताएंगे। कभी मेरा महफिल में आप आएंगे, उसके बाद आपको डीप नॉलेज मेरा मालूम चलेगा। रात कितना रात मैंने सोया नहीं है इसके लिए मुझे भी मालूम नहीं है, कितना रात मैंने सोया नहीं है इस स्टॉक मार्केट के लिए। ओके, एग्जैक्ट पॉइंट आप पहला 5 मिनट से ही फाइंड आउट कर सकते हैं कि मार्केट का लो से हाई रेंज क्या है। चलिए ये भी कॉइंसिडेंस हो गया, 4 मार्च का, सॉरी 4 मई का। चलिए सर कोई भी बात नहीं, हम रेडी हैं अगेन लेने के लिए। 3 मई का चलिए लेते हैं सर। कुछ कुछ लोग आएंगे अभी ज्ञान देंगे। देखिए इस वीडियो में मैं, मुझे पता है कुछ लोग आएंगे अभी, देखिए ज्ञान देंगे। ये आपका कितना पॉइंट है सर, मतलब इतना अच्छा अच्छा नॉलेज देने के बाद, क्योंकि उनको क्या लगता है कि उनको बस कुछ कुछ लोग हैं, मेरे इवन मेरा कोर्स में भी है, वो क्या कहते हैं पता है, सर आप क्यों आप यूट्यूब पर डाल रहे हैं, मतलब हाँ आप अच्छा है, मतलब आप सीख लिए बाकी और कोई सीखना नहीं चाहिए, क्या बात है सर। हाँ नॉलेज इतना जितना आप देंगे उतना बढ़ेगा। मैं आज इसलिए ये सारा नॉलेज दे रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, अगर कल मार्केट का चेंज भी हो जाता है ना, ऑपरेटर लोग इसको चेंज कर देते, तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि सर मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, जो चेंज करने के मैं वही निकाल के दे दूंगा आप लोगों को, इतना मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है। ठीक है ना सर। ओके, ये आपका कितना पॉइंट्स हो गया, 96 पॉइंट। इसको आप 100 भी मान सकते हैं, 96 भी मान सकते हैं, कोई नहीं, बस हम लोग रेंज नहीं ले रहे, हम लोग पर्टिकुलर पॉइंट नहीं ले रहे। 96 पॉइंट सर 1.34 को आपको मल्टीप्लाई करना है, कितना पॉइंट आ गया सर, देखिए 301। 301 को आपको क्या करना होता है सर, 301 को आपको डिवाइडेड बाय 2 करना होता है, तो 301 नहीं तो 150, ये दोनों इंपोर्टेंट है। इसके ऊपर नीचे जाएगा तो फिर हम इसको ऐड करेंगे। चलिए इसको देखते हैं मार्केट का, ये आपका डे लो है, डे हाई तक तो हम जाएंगे, कितना पॉइंट्स आया सर बताइए। ये आपका डे लो है, ये आपका डे हाई है, 300 तक आ गया। मैं बता रहा हूं एक कैंडल, जैसे उस दिन एक कैंडल हुआ था, सिर्फ एक कैंडल का डिस्टेंस आपका दूरी है, बोले ये 300 पॉइंट सर क्यों नहीं आया ये मत पूछिएगा। एक कैंडल मतलब एक एक कैंडल का कितना, इसमें देखिए आप एक कैंडल का एवरेज पॉइंट आप देखिए कितना पॉइंट है, 50 पॉइंट है, इसमें लगा देंगे तो आपका रेंज आ जाएगा। ओके, क्या ये भी कॉइंसिडेंस है, 3 दिन लगातार मार्केट आपको दे रहा है कि कॉइंसिडेंस, कॉइंसिडेंस दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं सर, इसको भी ले लेते हैं ना, इसको भी ले लेते हैं, कॉइंसिडेंस में भी हो सकता है। 140, 144, आप ऐसे 140 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रेंज आप लोग निकाल रहे हैं। 3.14 क्या हो गया सर, 439, 439 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्या हो जाएगा आपका 219, मतलब 200 नहीं तो फिर 400, इस चीज को देखिएगा। ये मार्केट का लो है सर और ये मार्केट का हाई है, क्या मैंने बताया था, 200 नहीं तो 400, देख लीजिए आ गया आपका, आ गया सर। मैं 5 दिन आपको करके दिखाया, मैं सॉरी 4 दिन, ये दिन ये दिन ये दिन। ओके, अभी अभी मैं क्या करने वाला हूं, अभी आप लोग का अप्रैल आ गया, ये तो मैं था, टाइमिंग मेरे पास है, टाइम है तो मैं आपको कितना भी दिखा सकता हूँ। 43 मिनट का हो गया ये वीडियो, अब चलिए रेंडम चलेंगे क्योंकि अभी चलेंगे तो एक एक दिन ना आप लोग को वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अप्रैल मंथ में हम लोग सिर्फ सैटरडे संडे को छोड़ देंगे, क्यों छोड़ेंगे, अब कुछ लोग बोलेंगे ऐसा भी, बोलो बोलो, बहुत सारे टाइप के मार्केट्स में लोग हैं, सैटरडे संडे को आप क्यों छोड़ दिए सर, सैटरडे संडे छुट्टियां होता है इसलिए हम छोड़ दिए। ओके, ये जो आप देख रहे हैं ना रेंडम डेट, हम अभी लेने वाले हैं रेंडम डेट, याद रखिएगा रेंडम डेट, आपके पास कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बदल नहीं जाएगा, आप खुद भी इस चीज को देख सकते हैं, रेंडम डेट हम इससे लेंगे, इसके बीच बीच में भी छुट्टी वगैरह है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, एक लेते हैं ये वाला को लेते हैं, 3 को लेते हैं, चलिए सबसे पहला वाला को लेते हैं, अगर 7 को छुट्टी होगा, अगर 7 को छुट्टी नहीं होगा तो 7 को लेंगे अगेन आपका, फिर 10 को लेंगे, ये रेंडम ले रहे हैं, देखिए इसमें कोई ट्रिक वगैरह कुछ ही नहीं है, अगेन ये 17 को लेंगे, इसको लेंगे, अगर ये छुट्टी होगा तो इसका पहला दिन का लेंगे, 24 को लेंगे, 28 को लेंगे, कोई रेंडम नहीं है सर, देखिए इस तरफ चल लिए हमने, इस तरफ चल लिए, और मिडिल पे हम लोग एक ले लेंगे, चलिए इसको ले लेते हैं, आप कुछ भी डेट का उठा सकते हैं। इतना मैं आपको पटापट करके दिखा देता हूँ, स्पीड पे करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अगर इससे भी मेरे को टाइम मिल गया तो मैं पूरा का पूरा दिखा दूंगा। ओके चलिए स्पीड पे करते हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, हम लोग अप्रैल को आगे क्या मैंने बताया था, 3 सॉरी लास्ट से करके चलते हैं, ठीक है ना, 28 को लेकर चलते हैं,
लास्ट है ये आपका 28 है। चलिए स्पीड पे करता हूं मैं, स्पीड पे आप लोग देख लीजिएगा, स्पीड पे जब करेंगे पॉइंट्स इधर उधर थोड़ा बहुत हो सकता है। कितना पॉइंट्स है सर? 135 पॉइंट। चलिए ले ले, 135 मल्टीप्लाई 3.14 कितना हो गया सर? 423। इसको आपको क्या करना है? डिवाइडेड बाय 2 करना है। ये दो रेंज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 211 423, ठीक है। देखिए चलिए मार्क करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ। ये आपका मार्केट का डे लो है, ये आपका डे है सर। कितना पॉइंट्स आया सर? देखिए आपका रेंज था 430, कितना आया है? 450-60 के आसपास आया। एक कैंडल का दूरी है, सिर्फ एक कैंडल का दूरी है। देखिए 430 आ गया, इसमें देखिए 430-430 ये आपका हो गया। ये तो कॉइंसिडेंस नहीं है ना सर, अब तो आप नहीं कह सकते कॉइंसिडेंस। ओके हमने क्या बताया था? ये 24 का लेंगे, 28-24। चलिए ये आपका 24 आ गया, अब इसको भी कॉइंसिडेंस मत मानिएगा सर। ओके कितना रेंज का है सर ये? 25। चलिए ले लीजिए, 125 मल्टीप्लाई 3.14 कितना आ गया सर? 392 डिवाइडेड बाय 2 मतलब सर 400, मतलब ये 200 नहीं तो 400 के आसपास। ये आपका लो है, ये देख लीजिए सर। क्या सर ये भी कॉन्सिडेंस है? मार्केट डे लो टू डे हाई 420 पॉइंट, बताइए ये कॉन्सिडेंस है? मैं कॉन्सिडेंस से ले रहा हूं, मेरा मन से ले रहा हूं, मैं बस एक इस साइड मंडे को और फ्राइडे को ले रहा हूं, किसी भी दिन का ले सकते हैं। चलिए आप लोग बोलेंगे कि सर फ्राइडे के दिन पे, चलिए 21 को ले लेते हैं, ये आपका 21 है। देखिए सर कितना पॉइंट का रेंज है? 140 143.14 सॉरी 140 नहीं लिया मैंने, 40 ले लिया। स्पीड पे कितना पॉइंट है सर? 439। इसको आप डिवाइडेड बाय 2 भी कर सकते हैं, ये 220 नहीं तो 440। चलिए देखते हैं, अगर ये भी हो जाएगा ना सर, ये कॉइंसिडेंस तो मत बोलिएगा, ये मेरा नॉलेज एंड स्किल है। कितना आना चाहिए था सर? देख लीजिए ये हाई है मार्केट का, ये लो है, देख लीजिए कि सर ये कॉइंसिडेंस है। कैलकुलेशन पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इस पे देखिए। चलिए ये और क्या मैंने बताया था, ये आपका 28-21 हो गया, चलिए 14 को ले लेते हैं, ये 14 है, ये बड़ा पॉइंट्स है, आपको बड़ा पॉइंट्स का भी आपको नजारा मिल जा रहा है। कितना पॉइंट्स है सर? 343 343 को कितना पे मल्टीप्लाई करना है सर? 3.14 से मल्टीप्लाई करना है। कितना पॉइंट आ गया? 1000 नहीं तो फिर इसको डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं, कितना? 5538। चलिए देखते हैं कितना पॉइंट्स मार्केट किया है, ये आपका डेलो है, अडे है, देखिए कितना आना चाहिए था सर? 540 कितना आया है सर? देखिए प्रॉपर अगर आप लेंगे, ये आपका डेलो है, देखिए क्या ये कॉन्सिडेंस है मुझे बताइए, ऐसे जो मैं ले रहा हूं कॉन्सिडेंस है। चलिए 7 को भी ले लेते हैं, ये भी दूर कर देते हैं, 7 छुट्टी था, चलिए छोड़ दीजिए, 7 छुट्टी था, देख सकते हैं 7 छुट्टी होगा तो हम क्या लेने वाले थे? 6 लेने वाला था, राइट, उसका पहले वाला था लेने वाले थे। तो ये तो फ्राइडे, ये तो सर फ्राइडे नहीं है, ये तो आपका फ्राइडे नहीं, ये तो आपका एक्सपायरी है। चलिए एक्सपायरी डेट पे काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, इसको देख लेते हैं, 120 पॉइंट है सर। कितना है सर? 380 नहीं तो फिर 190। चलिए देखते हैं सर कितना दिया है, देखिए सर कॉन्सिडेंस है सर, मुझे बताइए कॉन्सिडेंस आपको लग रहा है? नॉलेज को आप कॉन्सिडेंस कहेंगे? ये सब चीजें फाइंड आउट करने कितना टाइम लगता है सर हम लोगों को मालूम है। ओके ये फ्राइडे का खत्म हो गया, मंडे का भी मैंने एक दिखा दिया था, चलिए मंडे 3 को दिखा देता हूँ, अप्रैल 3 को। आप बोलेंगे सर अभी काम कर, अप्रैल 3 को देख लेते, चलिए महीने का एंड, अभी एक महीना पहले का देख लेते हैं। कितना पॉइंट है सर? कितना पॉइंट है सर? 100 पॉइंट आप ले सकते, देखिए नहीं तो इसको आप डिवाइडेड बाय क्या कर सकते हैं? 2 कर सकते हैं, 157 नहीं तो 314। चलिए देखते हैं कितना पॉइंट दिया है मार्केट, ये मार्केट का लो है और ये मार्केट का हाई है। कितना आना चाहिए सर? 314 के आसपास आना चाहिए, देख लीजिए। क्या सर आपको लग रहा है कोई कॉइंसिडेंस? मैं इधर कर रहा हूं,
मुझे बताइएगा। चलिए ये 10 नहीं लिए, 10 को ले लीजिए, ई डेट को। कौन सा डे पे मैं बस फेल हो रहा हूं, आपको पता नहीं कि सर ये डे पे आप फेल हो गए। 110 कितना पॉइंट है सर? 350 को डिवाइडेड बाय 2 कर लेना है, कितना है सर? अरे सॉरी यार, स्पीड पे। ओके तो 172 नहीं तो 350, देखते हैं ना सर, देखते हैं कितना आना था सर। इस पे देखिए 350 के आसपास आना था, कितना आया है सर देखिए बताइए। कोइंसिडेंस है सर, कोइंसिडेंस आपको लग रहा है तो आप लगते रहिए। ये डेट को तो मैंने निकाला था 17 को, हो गया ना सर देखिए। और एक मैंने बताया था कि बीच वाला लेना है आपको, इसका ले लेते हैं 19 को, ये आपका वेडनेसडे है, थर्सडे के दिन पे ले लेते। चलिए आप सोचेंगे शायद वेडनेसडे डे पे काम नहीं करता है, चलिए वेडनेसडे का डे को निकाल लेते हैं 120। कितना है सर? 380 नहीं तो डिवाइडेड बाय आप 2 कर सकते हैं, सॉरी 380 अरे 380 डिवाइडेड बाय 2, 380 नहीं तो सर 190। क्या लग रहा है सर आपको दिया होगा? चलिए देख लेते हैं ना सर, देख लेते हैं मार्केट दिया है नहीं दिया है, देख लेते हैं सर। देखिए सिर्फ एक कैंडल का दूरी है, एक कैंडल को मार्क कर लीजिए आप कितना पॉइंट का है, देख लीजिए 5 मिनट का कैंडल से दूरी है। क्या लग रहा है आपको, मजा आ गया वीडियो देख के? मुझे बताइए, अगर मजा आया होगा ना एक कमेंट्स और एक लाइक और एक शेयर जरूर बनता है यार, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अगर वीडियो आपको मतलब कुछ आपको मतलब यूनिक चीजें लगता है, सीक्रेट अगर आपको मालूम हुआ है। देखिए मैं पूरा का अप्रैल का रैंडम डेट ले लिया, अगर ट्यूजडे पे नहीं लिया हम लोग एक दिन पे, चलिए ट्यूजडे को एक दो ले लेते, 4 ट्यूजडे को ले लेते, 11 को ले लेते, चलिए 4 पहले हम डिसाइड किए तो इसके बाद हम लोग 11 डिसाइड कर लिए रैंडमली। ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, ये चीज इधर उधर का कर रहा हूं, रैंडमली ले रहा हूं मैं। कितना पॉइंट है सर? 300 ले लीजिए, बताइए कितना पॉइंट्स हो, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लीजिएगा, 470 नहीं तो फिर 940। चलिए थोड़ा देखते हैं कितना मार्केट ऊपर गया है, पॉइंट देख के तो लग रहा है ये 470 का आपके पास होगा, उसी के आसपास होगा, देख लीजिए आप एक कैंडल से ही दूरी है, 430 के आसपास हो जा रहा है। ओके सो वीडियो देखिए आपका 53 मिनट का हो गया, इससे क्या और भी एक डे देखना है, चलिए और एक डे देखते हैं। लकी 7 का हमने लिए हुए, ठीक है ना, लकी 7 हमने लिए हुए, और कोई 7 आपको लेना है? 27 हम लोग लिए हुए, 7 जिससे है 17 को हमने लिए हुए मंडे का, चलिए 27 भी ले लेते हैं ना, 7 वाला चीजों को लकी 7 का देख लेते हैं, 27 को ले लेते हैं, ये लास्ट है आपका, ठीक है। मजा आया बताइए, मजा आया होगा, मैं चाहता हूं आप लोग इसे पास, ये लाखों का नॉलेज है कोई देने वाला है, अगर आप किसी को करोड़ों रुपया भी दे देंगे ना तो भी आपको ये नॉलेज नहीं देने वाला है, वो तो 10 लाख स्ट्रेटजी था, आप इसको ले सकते हैं 1 शेयर स्ट्रेटजी, ठीक है ना, 138 मल्टीप्लाई, सॉरी 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 मल्टीप्लाई करना है हमको, अरे यार कैलकुलेटर, ओके क्या था मार्केट का देखिए, 138 पॉइंट था, 440 और 220 के आसपास आएगा, ठीक है ना। जब आप ऐसे क्या इसे जैसे आप बनाते हैं, मतलब आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको याद भी रह जाएगा कि कितना पॉइंट्स आने वाला है। देखिए मैंने बताया था 440 के आसपास आने वाला है और आपको उसको डिवाइडेड आप 2 करेंगे तो 220 के आसपास आएगा। देख लीजिए सर, इसको अगर मान लेते तो देखिए क्या है, थोड़ा सा इधर उधर का आपको एक पॉइंट का इधर उधर देखने के लिए मिल जाता है।
220 के आसपास आना था, 40 पॉइंट ज्यादा है। ओके डन, ये वीडियो में इतना था, मजा आया होगा जरूर। और सभी को मैं बताना चाहता हूँ, इस वीडियो को अगर आप सिर्फ इस वीडियो में गिवे होने वाला है आपका, ये वाला कोर्स आपका गिवे होने वाला है, मेरा जो सेकंड कोर्स है, बहुत सारे बेनिफिट्स इसमें मिलता है। मैं पैसा ले रहा हूँ, अगर आप एक छोटा सा मिनिमल गुरुदक्षिणा ले रहा हूँ ना, इसका मतलब मैं बहुत कुछ आप लोगों को दे रहा हूँ। सिर्फ लोग एक वीडियो के लिए मेरे से, मैंने जब इनिशियल स्टेज पे आया था सीखने के लिए, 1 घंटा का वीडियो के लिए मेरे पास 15,000 रुपया एक लोगों ने चार्ज किया था। कुछ नहीं सिखाया था, सिर्फ सुपर टेंट क्या होता है वो सिखाया था, और हेकिनेसी कैंडल क्या होता है वो सिखाया था। 1 घंटा का 15,000 रुपया आप लोगों को मैं इसमें कितना कुछ दे रहा हूं, ऐसे अगर पीडीएफ को नीचे करते चलेंगे ना, वो खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं होगा सर। मैं पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट आप लोगों को सिखा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपीज में, जो मेरा मिनिमल मिनिमम जो सबसे मिनिमम कोर्स है ये रुपये में, ठीक है। और ये वाला कोर्स जो है, सेकंड वाला कोर्स में गिवे दे रहा हूँ इस वीडियो में। बस आपको क्या क्या चीज करना है, वीडियो को सबसे पहले आपको देख लेना है कि चैनल आप मेरे को चैनल को आप सब्सक्राइब किए हुए हैं या नहीं किए हुए, क्योंकि वो जरूरी है, नहीं तो फिर आपका कमेंट्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा। दूसरा क्या है आपका, दूसरा ये है आपका कि वीडियो को आप लोगों को लाइक आपका होना चाहिए, मेरा वीडियो लाइक होना चाहिए। उसके बाद शेयर होना चाहिए, एटलीस्ट एक बार शेयर होना चाहिए, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे टेलीग्राम पे हो, किसी भी हो। शेयर नहीं करेंगे तो वो उसको कंसिडर नहीं होगा, एल्गोरिथम फाइंड आउट कर लेगा कि ये आपका जो आईडी है वो शेयर नहीं किया है। और नीचे पे एक कमेंट देना है, ज्यादा कमेंट्स नहीं देना है, एक ही कमेंट्स आपको देना है। मुझे मालूम है आप लोग ज्यादा कमेंट्स देके भर देंगे, इसलिए हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते कि प्रॉपर विनर कौन होगा, इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक कमेंट्स देना है। मुझे ज्यादा कमेंट्स नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बहुत लोगों से कमेंट्स चाहिए, सिर्फ एक लोगों से नहीं, एक लोगों का ज्यादा कमेंट्स नहीं चाहिए मुझे, ज्यादा लोगों का सिर्फ एक कमेंट्स चाहिए। ओके सर, इसका विनर ये वीडियो में, जैसे ही ये वीडियो 11,000 व्यूज टच कर जाएगा, उसका अगले दिन ही इसका जो है गिवअवे का विनर हम लोग अनाउंस कर देंगे लाइव यूट्यूब पर आके, लाइव, ऐसा नहीं कि किसी का नाम को हम लेंगे, लाइव यूट्यूब पर आएंगे, रैंडम कमेंट का पिकर करेंगे आपका, अगर आपका लॉक होगा आप आ जाएंगे इसमें। ओके ये वीडियो में इतना था, और एक जो मेरा कोर्स है, ये कोर्स का जो पुराना कोर्स है उसको हम लोग अपडेट कर दिए, ये वाला कोर्स जो है मैं इसको आप लोगों को एक पर्टिकुलर वीडियो बना के क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा, क्या क्या मिलेगा मैं बना दूंगा, वो भी अपलोड हो जाएगा आपका आज नहीं तो कल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल। एंड लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरा 10,000 सब्सक्राइब कंप्लीट कर दिए। लव यू ऑल, आप सभी का प्यार मुझे, क्या मैं बोलूं, मुझे रोने का भी मन कर रहा है कि मैं कभी सोचा ही नहीं था मेरी जिंदगी में कि एक टाइम आएगा और 10,000 सब्सक्राइबर मेरा हो जाएंगे। थैंक यू ऑल यार, थैंक यू। ओके तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक न्यू लर्निंग वीडियो के साथ।